हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, एयरफोर्स ग्रुप सी की जो वैकेंसी निकली है उसी के मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो देखो, इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, आप देखना कैसे क्वेश्चन पूछता है। 2018 में पेपर हुआ था उसी के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछे हैं। देखो, सिलेबस आपको पता होगा, 25 क्वेश्चन आपके मैथ से पूछे जाते हैं, 25 ही रीजनिंग से पूछे जाते हैं, और 25 आपके इंग्लिश से पूछे जाते हैं, और 25 जीके से। देखो, ये सभी क्वेश्चन जितने भी टॉपिक से पूछे जाते हैं बहुत ही सिंपल पूछे जाते हैं, ये नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन पूछे जाएं, बहुत सिंपल पूछे जाते हैं। आप क्वेश्चन करेंगे तो पता चल जाएगा। और देखो, ये आप पहला पार्ट भी समझ सकते हो, अगर दूसरा चाहिए मैथ का, रीजनिंग, इंग्लिश, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको अगला पार्ट भी चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं आगे और बात करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, ये तो आपको ही पता होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पर है? तो ये राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पर स्थित है, आपको ही पता होगा, उड़ीसा में। ओके, और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो देखो किस तरह से क्वेश्चन है, क्वेश्चन का क्या लेवल है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है बताइए? हैदराबाद। तो ये तीन क्वेश्चन हो गए, तीनों क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो कितनी होती है बताइए, निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये आप में, ये निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ओके, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, शतरंज में वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 64। देखो ऐसा है, ये क्वेश्चन कुछ सिंपल हैं, क्योंकि जो रह गए हैं, जो क्वेश्चन बाकी रह गए हैं वो थोड़े से टफ होंगे, ठीक है। मुझे यही क्वेश्चन मिले थे तो मैं इतने लेके आया हूँ, और बाकी भी सब सब्जेक्ट के चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो बताइए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पे है? पेरिस में, ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। अच्छा, अब एक बात और जान लो, यूनेस्को का मुख्यालय के साथ साथ ये मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लगभग हर एक एग्ज़ाम में किसी न किसी मुख्यालय से क्वेश्चन पूछा जाता है। यूनेस्को से एनटीपीसी में कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए। तो देखो, अब आगे बात करते हैं, डब्ल्यू टी ओ और WHO, तो ये ध्यान रखना दोनों, WTO और WHO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों के मुख्यालय कहाँ हैं? जिनेवा। कहाँ पे हैं? जिनेवा, अच्छी तरह ध्यान रखना, कहाँ पे हैं? जिनेवा में। अच्छा, अगला एक और देख लो, आई एम एफ और वर्ल्ड बैंक WB, इन दोनों के कहाँ पे हैं? इन दोनों के हैं IMF और वर्ल्ड बैंक, ये है Washington DC। कहाँ पे हैं? Washington DC, ठीक है, ये Washington DC में, तो ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक आप सब जानते होंगे, और सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, और ऑप्शन के हिसाब से होगा, ऑप्शन जैसे दिया होगा उस हिसाब से, ठीक है। बल का फॉर्मूला जानते होंगे, F=ma, तो m का क्या हो गया? किलोग्राम, और ए थर्ड हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से भी अगर ऑप्शन दिया हो, न्यूटन में दिया हो उसके हिसाब से, तो ये हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से भी देख सकते हो ऑप्शन के हिसाब से। ओके, सऊदी अरब देश की मुद्रा क्या है? क्या है? रियाल। ओके, स्वतंत्र भारत का प्रथम जनरल गवर्नर कौन था? तो कौन था? माउंटबेटन। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ है? वाराणसी UP। ओके, कहाँ पे है? वाराणसी UP, बनारस बोल सकते हैं इसे। अच्छा,
पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1556। अच्छा, रोम की फुल फॉर्म क्या है? रोम की फुल फॉर्म क्या है? तो रोम की फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। एक और पूछी जाती है फुल फॉर्म, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दोनों। एक होती है रैम, आर ए एम, एक होती है रोम, एक होती है रैम। तो रैम क्या है? रैम है रीड, ये होगी रीड ओनली मेमोरी, और ये होगी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, ये दो तरह की मेमोरी होती है, रीड ओनली मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी और रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन, यहाँ पे क्या रहा है? अर्जुन। तो अर्जुन किसके साथ थे? श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के साथ कौन था? अर्जुन। तो यहाँ पे कृष्णा नदी हो जाएगी, किस नदी पर? कृष्णा नदी। ओके, कृष्णा नदी पर स्थित है कौन सा? नागार्जुन सागर बांध। भारत ने अपना पहला विश्व कप कब जीता था? कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, कब कब जीता था? 1983 में। किसने जिताया था? कपिल देव ने। अच्छा, दूसरा कब जीता था? 2011 में। ये किसने जिताया था? ये जिताया था महेंद्र सिंह धोनी ने, ये ध्यान रखना। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, आपको ही पता होगा, ऑस्ट्रेलिया। ओके, ऑस्ट्रेलिया क्या है? हमारा सबसे छोटा महाद्वीप है। अच्छा, ये एक वृत्त त्रिज्या। अच्छा, ये मैथ का क्वेश्चन है, ये भी देख लो। चलो, एक दो क्वेश्चन है, ठीक है। एक वृत्त की त्रिज्या 28 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? एक वृत्त की त्रिज्या 28 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल, मतलब बहुत सिंपल पूछेगा। ओके, ज़्यादा वो नहीं पूछेगा टफ। तो देखो, क्षेत्रफल पूछा है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल? तो मैं इसे करके बताता हूँ, ध्यान रखना। त्रिज्या कितनी है? 28 मीटर। चलो देखो, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और जो आर की वैल्यू दी है, आर आर वो कितनी दी है? 28 मीटर। और पाई की वैल्यू आप जानते ही हो, 22/7। तो यहाँ से करते हैं, ठीक है। तो देखो, ये मैंने लिखा 22/7, पाई की वैल्यू लगा दी 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है? 28। तो 28 इंटू 28 रिसॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 7 चौक 28 और 8 चौ 8 56, 6 दूनी 12। तो इस तरह से कुछ आंसर आएगा। तो ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। अच्छा, अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन क्या है? ये आपका टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है। ए यदि ए किसी काम को, यदि ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में, जब दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम को ख़त्म कर देंगे? अच्छा, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, देखो इसे, देखो करके बताता हूँ, है कुछ नहीं, बस समझना आपको। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, इस तरह से करते हैं इस क्वेश्चन को। बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। तो कैपेसिटी निकालते हैं, कैपेसिटी तो कितनी हो जाएगी? 30। 30 कैसे लिखा मैंने? इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 30। अब 10 का 30 में डिवाइड कर दो, 15 का 30 में, तो कितना आएगा? यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 2। तो इसका मतलब ये है, ए किसी काम को एक दिन में कितना करता है? 3, और बी किसी काम को एक दिन में कितना करता है? 2। तो अगर दोनों मिल जाएं तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 ये करता है एक दिन में काम ए, और 2 बी करता है एक दिन में काम, ठीक है। तो दोनों मिलके 5 काम करेंगे एक दिन में, तो हमारा टोटल काम कितना है? 30। तो पूछ रहा है कि यदि वो दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो पूरे काम को कितने दिन में ख़त्म कर देंगे? तो एक दिन में 5 काम करते हैं, तो इस 5 का कर देंगे डिवाइड, 5 6 30, 6 दिनों में ख़त्म कर देंगे पूरे काम को। ये बात समझ में आई? तो देखो, इस तरह से आपका लगभग पेपर आता है, आप देख लीजिए, ठीक है।
अभी और भी क्वेश्चंस हैं, अगर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, और इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूँगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।